हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज बताने वाले हो आप लो एंड पीसी में कैसे GTA 5 इंस्टॉल कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं भी एक दिन सोचा GTA 5 के गेम प्लेस तो बहुत देख रही यूट्यूब पर, लेकिन अब GTA 5 खेलना है तो मैं भी अलग अलग जगह पर सर्च करने लगा और ब्राउज़र सर्च किया तो मेरे को फुल्ली एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते थे और मैं कहा चलो यूट्यूब पर सर्च करते हैं। तो 10 से 20 वीडियोज़ देख डाली थी कि कहीं भी मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, डायरेक्ट लिंक जहाँ से मैं एक क्लिक में डाउनलोड करके खेल सकूँ GTA 5। पहली बात तो GTA 5 मिलता था लेकिन उसकी साइज इतनी ज़्यादा होती थी कि आप स्टोर नहीं कर सकते थे। तो फाइनली मैं किसी तरह GTA 5 इंस्टॉल कर पाया और टोटल डाउनलोडिंग में मेरे को 3 घंटे लग गए थे और इंस्टॉलेशन में भी 3 घंटे लग गए थे अप्रॉक्स। तो उसके बाद जब इंस्टॉल किया तो 37 GB की फाइल थी और इंस्टॉलेशन के बाद 71 GB की फाइल हो गई थी। तो अपने पीसी की बात करूं तो मेरे पीसी में 1 TB की हार्ड डिस्क लगी है। तो अगर आप 71 GB की फाइल स्टोर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने कंप्यूटर में स्पेस मैनेजमेंट भी करना होगा। तो मेरे लैपटॉप में पहले से कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 10 GB की थी, अनइंस्टॉल कर दिया। काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव 25 GB का मैंने डाउनलोड किया था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था, और NFS 5 GB का था उसको मैंने हटाया। तो जितनी भी और ज़्यादा फाइल्स थी सबको अनइंस्टॉल किया। तो यार, गेम्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर GTA 5 खेलने आए हो तो। अगर मैं अपने PC स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें 8 GB की रैम लगी है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, मतलब इसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगी जो विंडोज़ तरफ से आती है, सिर्फ वही है। इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है और 1 TB की हार्ड डिस्क है। एंड आफ्टर दैट सारे जुगाड़ लगाने के बाद अब टाइम था GTA 5 ओपन करने का। तो गाइस, अगर आप GTA 5 चला रहे हो लो एंड पीसी में तो यार फैन तो उसका कुछ ना कुछ गर्मी जो है बाहर निकालेगा ही, तो वो होता है, नॉर्मल है। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, GTA 5 चलने के बाद आपको तुरंत खेलने नहीं लगना है, गेम के ऑप्शन में जाना है, ग्राफिक्स में जाना है, जितने भी हाई आपके ऑप्शन ऑन होंगे उसको नॉर्मल कर देना है। नॉर्मल करने के बाद आपको जाना है दिस पीसी, फिर डॉक्यूमेंट, फिर रॉकस्टार गेम्स के अंदर GTA 5 का फोल्डर है उसके अंदर जाओगे सेटिंग में। तो सेटिंग जाने के बाद शेडो वहाँ 1 होगी तो वहाँ पे आपको 0 कर देना है, क्योंकि अगर GTA 5 का शेडो ऑन होगी तो गेम हर जगह शेडो दिखाने की कोशिश करेगा, उसके वजह से जो गेम है ज़्यादा लैग करेगी और अटक अटक के चलेगी। तो ये सारे ऑप्शन करने के बाद आपका गेम स्मूथ चलेगा। तो अब फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ अपने गेम प्ले की तो आप देख सकते हो मैं अपने PC में ही ये गेम खेल रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है लेकिन लैग भी नहीं हो रहा है उतना, तो आप इजीली चला पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लंबे समय तक GTA 5 अपने लो एंड PC पे खेलते रहोगे तो कुछ समय बाद हीट थ्रॉटलिंग होने की वजह से गेम लैग करना बढ़ जाता है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसे GTA 5 को चला रहा है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो गेम स्मूथ ही रहता है। तो अगर आप क्रेजी फैन हो GTA 5 की, अगर आप खेलना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक क्लिक में सिंपल डाउनलोड हो जाएगा, कोई एड लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी GTA 5 की वीडियो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो GTA 5। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो यार, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।